हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार, जॉइन सिक्योरिटी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक में ऐसा कोई वीडियो अभी यूट्यूब तक में हम नहीं देखे हैं जो ग्रुप फोर सिक्योरिटी गार्ड और एसआईआर सिक्योरिटी गार्ड को कंपेयर करें, वो भी लाइव सामने में, जो दोनों में से कौन बेस्ट है। खुद आज उसी की जबान से सुनेंगे जो कौन सा बेस्ट है और कितने दिन से कर रहे हैं, किस तरह ज्वाइन होते हैं और कहां ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है, एसआईएस में है या ग्रुप फोर में है, तो ये सब जानेंगे। आप वीडियो में बने रहें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड करे तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज बात करेंगे ये दोनों जवान से जो देखने में दोनों 6-6 फीट का जवान है, जो एक ग्रुप फोर का चैंपियन है तो एक एसआईएस का चैंपियन है। तो बात करते हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों ये दोनों से बात करें। जी सर बताइए, सर पहले आप बताइए ग्रुप फोर वाले। मेरे सारे दोस्तों को नमस्कार, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए सर अभी आपका ड्यूटी कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है और क्या सैलरी है? सबसे पहले तो सर मेरा ड्यूटी जो है वो अभी जी पुरेश में है और मैं अभी वाटिका सिटी में कार्यरत पर हूँ और वहीं पे मेरा ड्यूटी चल रहा है। ओके, तो सर आप कितने घंटे का है? सर मेरे को अभी मतलब मेरा जो ड्यूटी है वो अभी 12 घंटे की ड्यूटी है। ओके, सैलरी क्या है उसमें? मेरी सैलरी सर उसमें अभी वहाँ की जो है, जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वहाँ की सैलरी के दो तरीके हैं। जो बंदे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं उनको 14,500 रूपए मिलते हैं। ओके, और जो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं उनको 18,500 रूपए। ओके, बहुत अच्छा। आप सर थोड़ा एसआईएस वाले से बात करते हैं जी, अपने बारे में बताइए, नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं और ये बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है। और कहाँ अभी ड्यूटी कर रहे हैं? मैं अभी रिच मॉल में कर रहा हूँ। ओके, और कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से। तो अभी आप रिच मॉल में कर रहे हैं, तो आपको कितना लगभग कितना साल हो गया है एसएएस में? 6 महीना हो गया। अच्छा, 6 महीना हो गया, तो अभी रिच मॉल में कर रहे हैं। हाँ। 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे का है? 12 घंटा। अच्छा, 12 घंटा का। तो सैलरी अभी क्या है आपका 12 घंटे का? 18,500। अच्छा, 18,500 है, बहुत अच्छा है यार। एसएएस में तो अभी सैलरी देखा जाए तो ठीक ठाक है, 18,000 है, और ग्रुप फोर में भी 18+ ही बता रहे हैं। तो आप बताए सर, रुकिए, 18,500 आपने क्या लगा रखा है? जी जी जी, बताइए। एसआईएस में मैं भी कुछ दिन ड्यूटी किया था जी, ठीक है जी। और सबसे बड़ी खामियां है इसमें, मुझे इस कंपनी में एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ बताइए, कौन सा चीज पसंद? जैसे मान लीजिए कि आप अभी नए नए आए हैं तो आपको ये जानकारी नहीं होता है कि हम कैसे ड्यूटी करें और हमको क्या करना है, और आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप कहीं किसी कंपनी में जाके कुछ काम भी कर सकते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो हमको आप एक बात बताइए कि ये जो एसआईएस कंपनी है, इसमें भर्ती होने के लिए 10,000 रूपए लगते हैं और हमारे लिए बहुत मोटी रकम है, तो बताइए 10,000 रूपए हम कहाँ से लाए? और हमारे कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं है, 2100 रूपए में आप आके भर्ती हो सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, ये बात सही बोले, क्योंकि कंपनी जो है इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो मतलब जीप और एस को डाउन कर सके। और इनसे भी पूछ लीजिए कि एसआईएस में क्या प्रोसेस है और जीप और एस में क्या प्रोसेस है, अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और आप बोलते हैं 18,500, क्या 18,500 लगा रखे हैं आपने? कुछ नहीं होता 18,500। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सर, आप ये सबसे बड़ी खामियां इसमें। आप तो गुस्सा गए, जो आप होने वाली बात है भाई, क्योंकि कोई बंदा, गरीब बंदा जब इसमें काम करने आता है तो उसको ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि हम इसमें जब जा रहे हैं तो इतना पैसा हम कहाँ से लाए। आपको भी मालूम हो, आप पहले से ही वीडियो बना चुके हैं इस पर, कई भी कई बार इसकी वीडियो। हाँ, ऐसे है कि मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूं। ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें जो बंदा काम करता है वो जब यहाँ आता है अपना घर छोड़कर, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो राशन खरीद के खा सके, और 10,000 रूपए लेकर के ऐसा ही इसमें ज्वाइनिंग करने आएंगे, पागल समझ रखा है हम लोगों को आदमी। अच्छा चलिए, तो एक बात बताइए, आपको भी सही सैलरी है, इसमें भी सही सैलरी है, आपको 2,000 रूपए में ज्वाइन हो जाता है और एसआईएस में 10,000 रूपया लेता है ज्वाइन होने का, और फिर क्या है जो 18,000 सैलरी भी तो आपका सही पहले है। हम इतनी बात नहीं सर, हमको ये बताइए कि ये जो 10,000 कंपनियां लेती है ज्वाइन करने का, इसकी क्या प्रोसेस है, ये क्यों लिया जाता है, हमको इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए, आप एसआईएस वाले से कुछ पूछते हैं जो आप ही पूछ लीजिए। हाँ, आपको जो है कितना रुपया लिया था ज्वाइन होने का और कहाँ पे ज्वाइन हुए थे? मुझे 7,000 रुपया लिया था। अभी भी झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, साथ है, देखे क्या है, देखे आपस में झगड़ा मत कीजिए, सही है। नहीं देखिए, 7,000 सुनिए सुनिए, देखिए क्या है कि एसआईएस अगर ब्रांच में करते हो ना तो 7,000 में ज्वाइन होता है, और ट्रेनिंग सेंटर में लीजिएगा। सर मुझे आपको अच्छी तरह मालूम है, मेरा एक फ्रेंड इसमें आया था पहली बार, अब वो ब्रोकर समझे कि जो है उससे उसने 10,000 रूपए लिए और ये बोल रहा है कि अभी 7,000 ले रहा है। देखिए सही, इसकी जानकारी मुझे बेखूबी आपसे भी लेनी है और इनसे भी लेनी है। देखिए सही बात है, अभी 7,000 इनको मिला है और
7,000 देके इसमें भर्ती होगा। हमको ये जानकारी दीजिए कि 10,000 किस चीज के पैसे लिए जाते हैं उसमें। नहीं नहीं ये बात सही है, आपका कहने का मतलब सही है, लेकिन देखिए सवाल ये है जो 10,000 रुपए और 7,000 रुपए, 7,000 में ये अगर भाई ज्वाइन हुआ है तो ये 7,000 में ये ब्रांच से डायरेक्ट ज्वाइन हुआ है। आप ही बताओ कि 7,000 क्यों लिए जाते हैं और 7,000 लेने का कारण क्या। जैसे मुझे मालूम है कि मेरे कंपनी में अगर 2100 रुपए लिए जाते हैं तो उसका कुछ रूल्स है, हमको 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, रहने के लिए जगह मिलता है और खाना भी एक टाइम एकदम मिलता है। आप बताइए भाई आपको क्यों क्यों 7,000 रुपए लिया था, क्यों लिया था, किस लिए लिया था बताइए आप। ड्रेस के लिए लिया था, एक जूता दिया था। अरे क्या मजाक लगा रखा है, ड्रेस के लिए 7,000 रुपए लगते हैं। देखो भाई भाई झगड़ा मत करो यार, इसमें गड़बड़ हो जाएगा यार। गड़बड़ होने वाली बात ये, मुझे ड्रेस के 7,000 लगते हैं, ड्रेस में 7,000 रुपए लगते हैं, मुझे ड्रेस नहीं मिला है, चाइनीज का ड्रेस है। देखिए देखिए क्या है, ड्रेस में 2,000 रुपए कटते हैं, ठीक है, ड्रेस प्लस शूज और जूते और कैप के सहित 2,000 रुपए कटते हैं भाई। और ये बोल रहे हैं कि ड्रेस में 7,000 और शूज में 7,000 कटते हैं, तो बड़ी। देखिए मैं ये जानता हूँ SIS भी और ग्रुप 4 सिक्योरिटी भी चैंपियन है पूरा इंडिया में। चैंपियन नहीं, बेस्ट है अभी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अब इन भाई साहब से पूछे कि इनके लिए क्या है, जाओ ऐसे तो जो जहाँ। अच्छा चले ठीक है, इसके बारे में जानकारी हो गया भाई, आपस में जगह मत करो, लेकिन बात करेंगे जो SIS में अभी ड्यूटी आपका कहाँ पे है और कैसे ड्यूटी करते हैं, और SIS वाले भी से बात करेंगे जो ये कहाँ पे ड्यूटी करते हैं और कैसे करते हैं। पहले SIS से वाले से बात करते हैं, जो अभी आप कहाँ पे ड्यूटी करते हैं। रिच मॉल में। अच्छा रिच मॉल में, तो वहाँ पे आप कहाँ पे ड्यूटी मिलता है और क्या करते हैं आप वहाँ पे। मैं वहाँ पे गाड़ी का एंट्री करता हूँ। अच्छा गाड़ी का एंट्री करते हैं, तो कितने 12 घंटे का ड्यूटी रहता है। 12 घंटे का रहता है। लंच वंच का टाइम मिलता है उसमें। मिलता है। अच्छा मिलता है। आप भाई बताइए जो आप अभी कहाँ कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ना जी फोर, इनको तो लंच का टाइम मिलता है, हम लोग का जब मर्जी तब खाते हैं। अच्छा जब मर्जी, हमको कोई लंच वंच का टाइम नहीं मिलता, हमको जब टाइम मिल गया चाहे वो 12 बजे मिले, लेकिन हाँ वहाँ पे सिस्टम है कि सुबह के 7 बजे से लेकर के आप 11 बजे तक बिल्कुल एक्टिव रहिए और उसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। 11 बजे के बाद आप वहाँ